नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और सबसे पहले खबर कोटा से, जहां पर मोतिया ओपी थाना क्षेत्र को गोरडी में बालू गाड़ी छुड़ाने के लिए पुलिस पर ही पथराव कर दिया। दरअसल बीते दिनों गोरडी में मोतिया ओपी थाना द्वारा एक बालू गाड़ी को पकड़ा गया था, जिसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने गाड़ी को छुड़वाने की कोशिश की। पुलिस की टीम ने जब गाड़ी नहीं छोड़ी तो बालू माफियाओं ने पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये 2 तारीख के शाम को लगभग 7 बजे हम लोग गोराडी से एक ट्रैक्टर पकड़ के ला रहे थे, तो बीच में जगह पड़ता है सत्संग कुटिया, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया हम लोग पर। गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग किसी तरीके से गाड़ी को लेके आए, हम लोग को भी चोट लगा। कितने लोग आप लोग थे सर? हम लोग कश्ती पार्टी में थे, 2 कॉन्स्टेबल थे सानी तरह। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिलकुश, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलकुश, क्या है ये पूरा मामला और कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं इस पर? श्रीमती ममता देवी एवं किया गया, लेकिन हम लोग किसी तरीके से गाड़ी को लेके आए, हम लोग को भी चोट लगा। कितने लोग आप लोग थे सर? हम लोग कश्ती पार्टी में थे, 2 कॉन्स्टेबल थे सानी तरह। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिलकुश, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलकुश, क्या है ये पूरा मामला और कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं इस पथराव में? पूरा मामला पुलिस पर पथराव को लेकर है, बालू का मामला को लेकर, जो कि जिले में बालू का वर्चस्व लड़ाई के लिए पुलिस और माफियाओं में काफी लड़ाई चलती है और कई जवान घायल भी हुए हैं। और मामले को लेकर अभी जांच में चल रही है और कई ट्रैक्टर को हिरासत में लिए हैं और माइनिंग विभाग को सारा रिपोर्ट सौंपे भी हैं। शुक्रिया दिलकुश तमाम जानकारी के लिए आपका। और इधर झारखंड के 6 जिलों में 4 से 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है। रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बुकार